Yo, what's up guys? Assalamu alaikum everybody and welcome to another video of my channel. Guys, आज की दिन हम खेलने वाले PC building simulator. आज की दिन हम बनाने वाले अपना ultimate PC build. तो हम आ चुके हैं Razer की workshop के अंदर क्योंकि ये video sponsor किए Razer ने नहीं के साथ. ओके तो सबसे पहले हम अपनी लाइटें खोल लेते हैं भाई. Razer के ऑफिस की लाइटें भी हमें खोलनी पड़ रही हैं. स्विच, अरे यार खुल गई दोनों स्विच एक ही है. ओके तो हम पहले वर्कशॉप पर लेंगे थोड़ी सी ये पड़ी हैं डब्लूटियाँ. ये किसने डब्लूटियाँ खा के छोड़ी है मुझे नहीं पता. ओके तो Razer ने पहले से ही यहाँ बहुत सारे पीसी रखे हुए हैं. ये भी एक पीसी है. ओ भाई साहब ये क्या क्या पीसी है यार. 3D एडिशन. अबे भाई ये नहीं चलता कभी भी, ये हर बार क्रैश हो जाता है. ओके यहाँ है Razer का. ओके यहाँ रखे Razer के थोड़े से कीबोर्ड और यहाँ है Razer के हेडफोन जो कि Razer स्टूडियो में स्पॉन्सर करने वाला है. और उसके बाद आया है Razer का कीबोर्ड. बाकी इसका शॉप वॉप है, अगर मुझे पीछे बिल्डिंग के दरमियान कुछ चाहिए होगा तो हम यहीं से उठा लेंगे. तो फिलहाल हमारे पास अभी ये वाली वर्क स्पेस खाली है. तो हम पहले एक काम करते हैं, इस वाले पीसी को उठा के इधर रख देते हैं. केसेस. ओके तो हम केसेस सेलेक्ट कर लेते हैं भाई. बहुत 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 मस्त मस्त केसेस हैं भाई. तो सबसे पहले हम केसेस में चलते हैं. हर जगह में जाके RGB सेलेक्ट करता हूँ. पहले RGB सर्च करते हैं. RGB केसेस तो सभी होंगे आई थिंक. भाई ये वाला ग्राफिक और ये वाला पीसी तो ओके इसको हम ले लेते हैं. यहाँ प्लेस कर देते हैं. तो भाई क्या पीसी NGXT का. इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है. सबसे पहले हमें चाहिए होगा मदरबोर्ड. तो मदरबोर्ड हमें ऐसा चाहिए जो कि उसको सपोर्ट करे Ryzen को. तो Ryzen सपोर्ट करने वाला मदरबोर्ड की लिस्ट चाहिए होगी यार. गूगल पे सर्च करना पड़ेगा. One eternity later. ओके तो भाई सर्चिंग में तो मुझे कुछ मिला नहीं. आई थिंक हमें एक तुक्के में ही कोई उठाना पड़ेगा. DDR4 सॉकेट साइज के. ये वाला अच्छा लग रहा है भाई. चलो इसको हम कर देते हैं इंस्टॉल. भाई देखो भाई रोबोट सारे हमारे लिए सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है. सब स्क्रूज खुद लगे. बड़ी खौरी होती है स्क्रूज लगाने में इसलिए मैंने इसको ऑटोमेटिक कर दिया. इसके बाद हमें चाहिए एक पावर सप्लाई. तो पावर सप्लाई फिट दिस पीसी. पावर सप्लाई कौन सी लें हम. पावर सप्लाई भी RGB लेते हैं. रुको RGB. अबे भाई पावर सप्लाई भी ओ नो उसको रिमूव करना था. अच्छा मुझे इसको रिमूव करना था यार. ये नहीं मेरी RGB वाली पावर सप्लाई. अच्छा आगे से लगती है. ओके आई गॉट इट. हमारी पावर सप्लाई हो गई. स्टोरेज चाहिए होगी. नहीं पहले हम चाहिए डालेंगे CPU. हाँ प्रोसेसर Ryzen. अबे भाई क्या कर रहे हैं. Ryzen चाहिए मुझे Ryzen. अच्छा Ryzen तो इनकॉम्पेटेबल है यार. ये लग रहा था Ryzen इनकॉम्पेटेबल होगा. मैं जो मदरबोर्ड था उसमें Ryzen i9 है क्या इनके पास. i9 ओके i9 9990K S 1200 वाला अच्छा ज़्यादा इसमें. और हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम दोस्तों रेडी हो गया. अब हमें इसमें कुछ इंस्टॉल करना है. USB ड्राइव इंस्टॉल करनी है ताकि हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकें. तो जल्दी से इंस्टॉल करो भाई साहब. PP चलो PC रिस्टार्ट हो गया. ओके एस रॉक. इतनी देर में जितनी देर में ये सब होता है भाई. क्या Razer के पेरिफेरल्स रखे हैं भाई. हाँ इसको भी RGB कर देते हैं. Razer के इसमें किसी और का डाल देते हैं. कोई मसला नहीं है. ओके तो हमें सबसे पहले तो ये स्क्रीन बदलनी है. ओके मेरी RGB इसमें पहले ही सेलेक्ट कर दिया. इसको पता है मैं RGB सर्च करूँगा यहाँ. ओके हमारा ये PC रेडी है. हम इसको थोड़ा सा ऐड प्रोग्राम्स कर देते हैं. सेलेक्ट वॉलपेपर. सबसे पहले हम इसमें इंस्टॉल करेंगे. नहीं रिस्टार्ट अभी नहीं करना हमें. लाइटनिंग इंस्टॉल करेंगे. नहीं रिस्टार्ट नहीं करना है अभी स्टिल. बाकी सब सही है. तो चलो अब हम रिस्टार्ट कर लेते हैं. रिस्टार्ट करो जितनी देर में आपको इस और इस वाले PC को भी देख लेते हैं हम सही से क्या सीन है भाई इसका. इसको करो बंद. आई थिंक ये सही है भाई. PC मस्त है वैसे जो बात है. तो इसको ऑफ कर देते हैं ताकि अभी Razer वाले फिर बिजली का बिल मांगने आ देंगे. तुमने बहुत बिजली ज़ाया की है. ओके लाइटनिंग सेलेक्ट ऑल. हम कर देते हैं रैम्प. व्हाट्स रैम्प. हाँ रैम्प सही है. ओके ओ भाई क्या चमक रहा है PC. ओके PC की चमक छोड़ो. हम PC पार्ट्स में जाएंगे इसको रहेंगे और इसको फिर से इंस्टॉल कर देंगे. और भाई साहब PC को यहाँ उठाएंगे.
और अब हम लोग जाएंगे पीछे को किसी अच्छी टेबल पे भाई। ओके यहाँ रख लेते हैं पीसी को, पीसी को करते हैं पावर ऑन। दोस्त पीसी पावर ऑन हो रहा है, नीचे इसकी लाइटनिंग तो नहीं दिखेगी लेकिन ऊपर से सब दिखेगा। बहुत अजीब आवाज़ है भाई इसकी यार, ज़ोर से लगती है कान पे। ओके RGB चाहिए यार हमें, सब कुछ RGB चाहिए होता है, सब कुछ RGB, ये भी RGB चाहिए मुझे। मेरे हेडफोन भी बदलते हैं ना RGB। कौन सा रखें यार, रेजर के अपने हेडफोन रखते हैं। रुको रेजर के हेडफोन रखने भाई, रेजर वाले निकाल देंगे अपनी वर्कशॉप से। ओके रेजर के ये वाले अल्टीमेट वाले। अबे यार ये WOT किसने रखे हैं। तो भाई जल्दी से वॉलपेपर पे जाते हैं जल्दी। आई थिंक सो मेरा वॉलपेपर का है यार, मेरा भी तो वॉलपेपर होना चाहिए। ये मस्त लग रहा है। ओके गाइस आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।